नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर में समाज को संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता, सलिल भारती है। मीडिया दर्शन आज दिनांक 5 जून 2022 को जयप्रकाश स्मारक संस्थान कलेक्ट्री तालाब आरा की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी सुबह 7 बजे स्मारक के परंपरा के अनुसार माल्यार्पण की शुरुआत स्मारक के सदस्य एवं जेपी सेनानी नाथो एवं सलिल भारती ने किया। उसके बाद उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद उसी स्थल पर समाज को संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नाथुराम एवं संचालन सामाजिक कार्यकर्ता एवं रंगकर्मी अशोक मानव ने किया। 5 जून को पटना के गांधी मैदान के एक महती जनसभा में शांतिमय संघर्ष के लिए संपूर्ण क्रांति की घोषणा के मुख्य वक्ता पूर्व छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जिला संयोजक सलिल भारती अध्यक्ष व्यक्त देते हुए नाथुराम ने कहा कि जेपी की दी हुई संपूर्ण क्रांति के सूत्र के अलावा इस देश और समाज में कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसलिए हम सभी को मिलकर इस विचार के आधार पर कार्यक्रम तय कर लगातार इस समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के सदस्य एवं अधिवक्ता रवि वारसी ने किया। भोजपुर संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। मित्रों, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग हर वर्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति के तरफ से इन दिवसों को मनाया करते हैं। यह जो दिन है वह एक ऐतिहासिक दिन है और इस देश में आज़ादी के बाद अगर देश में कोई मोड़ आया तो 5 जून ही वो दिवस है जिसमें जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान दिल्ली में महती सभा में इस दिवस का ऐलान किया और तमाम देश के युवकों से उन्होंने आह्वान किया कि अब इस देश के लिए आहुति देने का दिन आ गया है।